जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, थोड़ा सा जल पात्र में रख लें, जहां पूजन कर रहे हैं जब थाली से पूजन, पहले सबसे पहले तो जल ही चढ़ाओगे ना, जल चढ़ाने के बाद उस पात्र को रख लें, थोड़ा सा पानी उसमें बचा लें, 2-4 बूंद, 8 बूंद, 15 बूंद, 20 बूंद, 1 किलो थोड़ा सा। भगवान शिव की आराधना करी, आपने दिया बत्ती करा, पूजन करा, आराधना करी, मंत्र जाप करा, घंटी का नाद करा, और भी लोग आए, उन्होंने भी भगवान का नाम लिया। जब घर की ओर प्रवेश करें, पूजन की थाली जब लेकर चलें, तो जो कलश में जल हो उसका आचमन कर लें या अपने ऊपर छींट लें, उससे सुख का अनुभव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।